हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से आपकी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट कम आपके मोटर ट्रांसपोर्ट के ट्रेड टेस्ट यानी दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज का रिव्यू क्या रहा, क्योंकि दोस्तों हर दिन एक शिफ्ट में है वो 50 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं, यानी सुबह 9:30 बजे 50 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं और दोस्तों 12:30 बजे 50 हैं। दोस्तों टोटल हर सेंटर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपके सेंटर बनाए गए हैं, जहां वैकेंसी ज़्यादा है उस राज्य में आपका सेंटर बनाया गया है और दोस्तों कई राज्यों को मिलाकर भी आपके सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटर दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेज के सेंटर हैं, उनमें आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। तो कुछ आपके सवाल थे, जो मन में सवाल थे वो सभी क्लियर करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, क्योंकि कई सारे वीडियोज आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे जिसमें यह बताया गया था कि एक पैनल बैठेगा, 3 पैनल बैठेंगे, 5 पैनल बैठेंगे। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था कि आपका इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। एक ड्राइवर इन दोस्तों एमटी की वैकेंसी है और दोस्तों इसमें ड्राइविंग टेस्ट होना जरूरी है और वही चीज आज देखने को मिली। क्या क्या चीजें हुई, मैं डायरेक्टली सेंटर से आया हूँ, दोस्तों सेंटर में क्या क्या चीजें हो रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं रिव्यू नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोस्तों एक आईबी की वैकेंसी है, सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी है, तो किसी भी बच्चे का फेस या दोस्तों अंदर की चीजें हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी पर्पज की वजह से भी ये चीज नहीं करना चाहते हैं। तो जानकारी हम आपको कंप्लीट देने वाले हैं ताकि आगामी दिनों में जितने भी बच्चे ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं उनको फायदा हो। स्पेशली डॉक्यूमेंट को लेकर डाउट था, जिसमें एक्सपीरियंस को लेकर काफी बच्चों के डाउट था, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कुल मिलाकर हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका किस दिन ट्रेड टेस्ट है और आपके कितने मार्क्स से कौन सी कैटेगरी से, कमेंट करके साथियों जरूर बताएगा। चलिए कंप्लीट जानकारी देख लो। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप ड्राइविंग, क्योंकि दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट करवाया जा रहा है, अगर कोई साथी आपका गया है तो उसको भी बता देंगे, वो आपको बता देगा। ड्राइविंग टेस्ट ही करवाया जा रहा है, इंटरव्यू नहीं करवाया जा रहा है, कि काफी बच्चे इस उम्मीद से आए थे कि हाँ पिछली बार जब सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी 2018 में आई थी उसी प्रकार से एक पैनल बैठेगा, वो आपकी प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आगे डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एलएमवी व्हीकल का आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, तो बेहतरीन तैयारी, क्योंकि हमारे बच्चे आज भी कई सारे गए हैं तो सारे क्वालिफाई होंगे कि वो तैयारी हमने उनको ऑलरेडी करवाई। तो दोस्तों बेसम्बंधी जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक आपका सिर्फ और सिर्फ है, इसमें ड्राइविंग टेस्ट ही नहीं होगा, साथ में दोस्तों आपका मोटर मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको है इंजन के बारे में, बाकी जो पार्ट्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सभी कंप्लीट तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ड्राइविंग स्कूल NH52 भारतीय स्कूल के बाद सीकर राजस्थान में रहने वाला है और यहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी और बाकी सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। चलिए ये बात रही, अब मैं दोस्तों आता हूँ कि पहली बात, जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके मन में ये सवाल था कि क्या 2018 की तरह इस भर्ती में भी क्या इंटरव्यू होगा, क्या पैनल बैठेगा, क्या इसमें ड्रेस कोड की जरूरत होने वाली है, क्या एक प्रॉपर बंदा बैठेगा जिसे जिस प्रकार है वो प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजें होगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों एक ड्राइवर की वैकेंसी है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ और इसी चीजों पर फोकस किया गया है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस। यानी आपको कुल मिलाकर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए और दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आप उसी की तैयारी से गए होंगे। आज बच्चे हैं वो काफी फेल हो रहे थे, मेरे सामने भी है, मैं आपको शाम को पूरा कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि 50-50 प्लस जो सेंटर में 100 बच्चे आ रहे हैं उसमें से कितने बच्चे क्वालिफायर हो रहे, किसमें बच्चे फेल हो रहे। दूसरी बात, क्या इस भर्ती में आपका है वो सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट होगा या इसमें कुछ एंट्री होने वाला। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको सभी को ये तो जानकारी होगी या नोटिफिकेशन आप साथियों ने जरूर पढ़ा होगा कि आखिर है वो इस भर्ती का स्कीम ऑफ एग्जाम्स क्या है, यानी दोस्तों जो एग्जाम की स्कीम क्या है, यानी जो 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है उसके अलावा दोस्तों जो Tier 2 होने वाला है वो SAMT का क्या होगा। साफ साफ ऊपर मोटे शब्दों में लिखा गया है मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट, कम इंटरव्यू लिखा हुआ है, यानी दोस्तों जो मोटर मैकेनिज्म होगा उसी के दौरान आपका एक छोटा इंटरव्यू हो सकता है, नाम पता पूछा जा सकता है, परंतु एक प्रॉपर इंटरव्यू आपके 2018 वाली भर्ती की तरह नहीं होगा। अब मैं आपको दो इसमें बाकी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा।
उससे पहले मैं 2018 वाली भर्ती पर जाता हूँ। नोटिफिकेशन 2018 वाली भर्ती सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2018, इसमें जब दोस्तों आप इस भर्ती के लिए आ रहे हैं तो इस भर्ती में जब आप जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ मेंशन है, ये देख सकते हैं टायर टू में क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द पेसेज ऑफ द 500 वर्ड्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज आपकी ये भी दिया गया है, प्लस स्पोकन एबिलिटी टू बी असिस्टेड टू एट द टाइम ऑफ टियर थर्ड एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। इसीलिए इस भर्ती में बच्चे उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके गए, परंतु अब ये बच्चों के साथ ये हो रहा है कि वो प्रिपरेशन इंटरव्यू की करके गए, पैनल बैठेगा वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। ड्राइविंग टेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि भर्ती ही आपकी आई भी उसी के अकॉर्डिंग कर रही है। लिखा गया है साफ साफ, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर। यानी दोस्तों वहां आपके पास दो बंदे बैठेंगे, एक आपकी फ्रंट सीट पर आपके साथ बैठेगा, आपकी कंडक्टर सीट पर एक बंदा पीछे बैठेगा, आपकी एक एक चीज नोट करेगा, उसी के आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। प्लस कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर फॉर्मल ड्रेस में जाए, फॉर्मल ड्रेस में जाए, परंतु ड्रेस कोड होना ये जरूरी नहीं है कि आप व्हाइट सिर्फ शर्ट पहन के जाए, नीचे आप पैंट पहन के जाए ब्लैक, और दोस्तों नीचे जूते फॉर्मल पहन के जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक प्रॉपर वे में जाए। फॉर्मल ड्रेस पहन के कोई भी जा सकते हैं, नीचे जूते भी आप है स्पोर्ट्स पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर आपको इसके दिए जाएंगे, परंतु आपका ड्रेस कोड होना जरूरी नहीं है। आगे मैं बात कर लेता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल द माइनर डिफेक्ट्स इन द व्हीकल, इट्स अपकीप एंड दोस्तों मेंटेनेंस एटसेट्रा वुड बी आल्सो टेस्टेड। यानी दोस्तों कुल मिला के कहूँ तो दोस्तों ये ड्राइवर की वैकेंसी है, और दोस्तों ड्राइवर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें टेस्टेड की जाएगी, ना कि एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर, एग्जीक्यूटिव के तौर पर चेक की जाएगी। तो आप इसी सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपको वहाँ, मैं आपको ऑप्टिकल भी बता दूंगा, 8 ऑप्टिकल फॉरवर्ड में भी है, रिवर्स में भी है, मैं आपको बता दूँ, फिर भी मैं आपको सारा ऑप्टिकल ही बता दूंगा, परंतु जब तक आप तैयारी करके नहीं जाएं, कितने भी धुरंधर ड्राइवर हैं रोड के, ऑप्टिकल में गाड़ी नहीं चला पाएंगे। मेरे सामने लगभग 10 से 15 स्टूडेंट ने गाड़ी चलाई है, रिवर्स में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है, एक भी बच्चे से सही गाड़ी नहीं चली है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएं, पहली बात तो ये हो चुकी है। अब मैं आपके लिए बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो फिर बता दूं कि आपको है जो 50 मार्क्स आपके हैं, ये 50 मार्क्स, ये 100+50 यानी दोस्तों कुल मिला के 150 मार्क्स होंगे, और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है SAMT। तो डायरेक्टली मेंशन है कुल मिला के 10 गुना बच्चे पास किए गए हैं, 50% के आसपास दोस्तों अटेंडेंस रह रही है, और दोस्तों यहाँ जो आपके मार्क्स होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ SAMT, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द Tier 1 और दोस्तों Tier 2 एग्जाम। यानी दोस्तों कुल मिला के आपके दोनों जो आपके एग्जाम होंगे 100+50 150 से मिलकर आपकी कट ऑफ बनने वाली है, यानी आपके पास बेहतरीन मौका है। अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं है तो यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे, परंतु इसमें भी दोस्तों जो 50 मार्क्स आपके होने वाले हैं उसमें भी आपको कम से कम 20 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप 40-20 के दोस्तों 50 के 20 मार्क्स लाएंगे, तभी आप है यहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे ट्रेड टेस्ट। अब मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर सबसे बड़ा डाउट था कि सर एक्सपीरियंस है वो IB चलाएगी नहीं चलाएगी, क्योंकि दोस्तों पिछली भर्तियों अगर हम देखें तो IB को स्ट्रिक्टली लेती है। तो दोस्तों इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्राइवर की वैकेंसी है। अगर आप कहीं से भी ड्राइविंग ये एक्सपीरियंस बना के लाते हैं तो वो वैलिड कर रहे हैं, पहली बात कि अगर आप कहीं से भी ड्राइविंग जो आप यहाँ बना के लेके आ रहे हैं एक्सपीरियंस, तो एक साल से ऊपर का वो एक्सपीरियंस वैलिड हो रहा है। दूसरी बात, बना के लाए तो जेन्युइन बना के लाए, ऐसा नहीं है कि कहीं से बना के लाए, कल उसके पास गलती से भी वेरिफिकेशन चला गया तो वो आपको डिनाई ना कर दे, बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर आपके प्रॉपर में क्या क्या चीज़ें आती है मैंने आपको बताया, तो मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना के बता दूंगा जिसमें आपका उसका संस्था का नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसका प्रॉपर GST, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस दोस्तों उसका आपका है यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल पूरी होनी चाहिए, नीचे आपके पूरे फॉर्मेट के अंदर कब आपने क्या नाम है, किस पद पर आपने गाड़ी वहाँ चलाई, प्लस सबसे बड़ी बात कि आपने जब फॉर्म भरा था उसमें क्या एक्सपीरियंस की डिटेल डाली थी, वही एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ आपको सबमिट करनी है, वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ सबमिट करना है। प्लस दोस्तों यहाँ आपके पास डोमिसाइल का काफ़ी बच्चों के इश्यू है, डोमिसाइल का काफ़ी बच्चों का इश्यू यह है कि वो बच्चे बाहर के स्टेट का, जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैं राजस्थान का हूँ, मैंने दिल्ली में फॉर्म डाल दिया है, तो ये आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके साफ गाइडलाइन थी कि जिस स्टेट में वैकेंसी है उसी स्टेट का बच्चा है, वो
वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लाइसेंस किसी भी स्टेट से बना लें, उस स्टेट का अगर डोमिसाइल आपके पास है तो उसी में आप फॉर्म भर पाएंगे और उसी से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। डोमिसाइल आपको चेक किया जा रहा है। अगर गलती से भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपके लिए उसके लिए भी आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। ये भी आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो आपके पास टाइम भी मिलेगा। एक बच्चे का अभी 27 तारीख को उसको टाइम दिया गया है, तो ऐसी भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, और आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, और आपको जो एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपको फॉर्म दिया गया वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी अगर आपके पास कुछ भी मिसिंग है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग भी दिया जा रहा है। पर यहाँ कोई भी कोताही आपके ट्रेड टेस्ट में नहीं बरती जा रही है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट मेन होने वाला है। एग्जाम आपकी हो चुकी है, आपको नंबर ट्रेड टेस्ट में 50 में से 40 प्लस 45 प्लस लाने हैं, तो उसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों हमारे लगभग है वो आने वाले 2 से 3 दिनों में 10 से 20 बच्चे जाएंगे ट्रेड टेस्ट देने, और हमें पूरा विश्वास है कि वो सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। इन्हीं ऑप्टिकलों में जो ऑप्टिकल आपको वहां मिलेगा आज से, तो वही ऑप्टिकल हमने बना दिया, बाकी हम सभी ऑप्टिकलों में LMV की उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, ये एड्रेस रहेगा, अभी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और IB आपकी SA सिक्योरिटी असिस्टेंट कम आपके मोटर ट्रांसपोर्ट की कार की वैकेंसी में अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, यानी 50% अटेंडेंस नहीं है, बाकी बच्चे कई बच्चे डॉक्यूमेंट में निकलेंगे जिन्होंने अदर स्टेट से आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया है, प्लस दोस्तों कुछ बच्चे ड्राइविंग टेस्ट में आपके निकलने वाले हैं। कुल मिला के कहूँ तो आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए। आज ही आपको ऑप्टिकल का वीडियो, व्हीकल का वीडियो, सारी चीज़ें आपको आज प्रोवाइड करवा देंगे, एक एक्सपीरियंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में साथ ही इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में हम आपके साथ, तब तक ले आप शिविर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।